साल 2023 में करवा चौथ 1 नवंबर 2023 के दिन पड़ रहा है। करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन व्रत करती हैं और रात में चांद निकलने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ के दिन हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन नियमों का पालन न करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो महत्वपूर्ण बातें। करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन व्रत करती हैं और रात में चांद निकलने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर के दिन पड़ रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाओं को कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन नियमों का पालन न करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के दिन क्या पहने। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को सफेद और काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। कोशिश करें कि लाल और गुलाबी रंग के वस्त्र पहने। ये रंग सुहाग का प्रतीक होते हैं। करवा चौथ के दिन क्या करें। करवा चौथ के दिन महिलाओं को तेज धार वाली चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, जैसे सुई, चाकू आदि। बड़ों का अपमान बिल्कुल न करें। बड़ों से बहस या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन अच्छे से 16 श्रृंगार करें। करवा चौथ की थाली की बात करें। करवा चौथ की थाली करवा चौथ की पूजा में एक प्रमुख सामग्री होती है। हर सुहागिन बड़े ही चाह से इसको खरीदती हैं और इसको सजाती हैं। करवा चौथ की थाली में एक आटे से बना दीपक होना चाहिए। उस दीपक में रुई की बाती का होना जरूरी है। मिट्टी का करवा पूजा की थाली में होना चाहिए। एक जल का कलश होना बहुत जरूरी है, जिससे आप चंद्रमा को अर्घ देंगे। छलनी का होना भी जरूरी है, जिससे आप चांद के दर्शन करें। पानी का ग्लास पूजा की थाली में होना बहुत जरूरी है। जिस लोटे से आप चंद्रमा को अर्घ दें, उस लोटे से पानी न पिए, बल्कि पानी ग्लास से ही पिए। फूल, चावल, मिठाई, घी, रोली, कुमकुम, इन सभी चीजों का होना करवा चौथ की थाली में अनिवार्य है। करवा चौथ की पूजा विधि की बात करें तो करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। करवा चौथ की थाली सजाएं और पूजा शुरू करें। सबसे पहले चंद्र देव की पूजा करें, उसके बाद अपने पति की पूजा करें। पूजा के बाद अर्घ दें और व्रत खोलें। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत बहुत ही शुभ होता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करने से पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है।